तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 70,000 के बजट में, 80,000 के बजट में, 90,000 के बजट में और 1,00,000 के बजट में कौन कौन से लैपटॉप मार्केट में हैं और कौन से बेस्ट हैं आप लोग के लिए। हर एक बजट में दो दो लैपटॉप मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने मशीन को समझना जरूरी है कि आखिर आपकी मशीन है क्या, आप खरीद क्या रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी टेक फ्रीक हो, गैजेट फ्रीक हो, आप लोग को पता है कि आपकी मशीन क्या है, तो आप लोग के स्क्रीन पर यह टाइमलाइन है, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और मेरी रिकमेंडेशन वाली वीडियो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर बात करते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ी समझ लेते हैं, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं अपने मशीन के बारे में कि एक्चुअली में क्या खरीदने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम लैपटॉप खरीदें या पर्सनल कंप्यूटर खरीदें, तो मेरी रिकमेंडेशन आपकी लैपटॉप की तरफ रहेगी। लैपटॉप इसलिए क्योंकि बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो आपको वर्कशॉप अटेंड करने पड़ते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, जूरी देनी पड़ती है। उसमें क्या है, आपको ऐसी चीज चाहिए जो हैंडी हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए हैंडी हो, जो कि लैपटॉप होता है, कंप्यूटर नहीं होता। रेस्ट अगर मैं बात करूं आर्किटेक्ट की, तो आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं तो वहां पर भी उनको जरूरी होता है कि वो हैंडी ही गैजेट्स को ले, हैंडी ही टूल्स को ले, तो जो कि होता है अगेन लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, आप लोग कुछ और भी खरीद सकते हैं लैपटॉप के अलावा, इन दैट केस आप पीसी खरीद सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पहले आपकी लैपटॉप रहेगी, फिर अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तब आप पीसी की तरफ जा सकते हो या आप टैबलेट खरीद सकते हो, तो ये आपकी चॉइस हो जाती है। तो सबसे पहले अपने माइंड से कंफ्यूजन हटा दीजिए कि आपको लैपटॉप खरीदना है या पीसी, आपको लैपटॉप ही खरीदना है, ये पहली रिकमेंडेशन है मेरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्चुअली लैपटॉप में होता क्या क्या है, क्या क्या मशीन होती है, बेसिकली क्या क्या इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, अपने मशीन को समझना बहुत सिंपल है, तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। आपके स्क्रीन पे ये तीनों मेजर कंपोनेंट दिखा रहा हूं। अब क्योंकि एक आर्किटेक्ट हूं तो उसकी स्किल्स तो रहेगी, तो अच्छे से प्रेजेंट करना तो मैं जानता ही हूं, तो ये आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोसेसर, दूसरा है स्टोरेज एंड थर्ड वन इज हमारा ग्राफिक कार्ड। प्रोसेसर जो है मेनली दो ही कंपनी बनाती है, एक है हमारी इंटेल, दूसरी है हमारी एएमडी। दोनों की अपनी अपनी सीरीज चलती है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लियरली। एक की चल रही है कोर सीरीज, कोर i3, i5, i7, i9, और एक की चल रही है राइजन सीरीज, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। अच्छा, ये पूरे स्क्रीन पे आपको जो भी रेड कलर में दिख रहा है ना, वो मेरी रिकमेंडेशन है। मतलब रेड कलर में जो भी चीज लिखी हुई है वो मेरी रिकमेंडेशन है। आगे चल के वीडियो में मैं जो भी लैपटॉप्स आपको बताऊंगा वो इन्हीं पे बेस्ड होगी, इन रेड कलर पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपको आज की डेट में लैपटॉप खरीदना है तो वो i5 खरीदना है, i7 और i9 खरीदना है, i3 नहीं खरीदना। सेम गोज विद AMD ऑल्सो, Ryzen 3 नहीं खरीदना, ये आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी हम बोलते हैं रैम को। रैम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज को आप स्टोर करते हो तो सबसे पहला कंप्यूटर उसको कहां स्टोर करे, तो वो करता है रैम में। इसलिए आप देखोगे रैम में जीबीज आती है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB, इस तरीके के जीबीज आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क में भी जीबी आता है, जो कि होता है हमारा 500 GB, 1000 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, ये टीबीज आते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में हमारा रैम होता है, सेकेंडरी में हमारा हार्ड डिस्क होता है। रैम में मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि 16 GB रिकमेंडेड होता है मिनिमम। अगर आपको खरीदना है, बजट है, तो 8 GB मिनिमम खरीदिए, रिकमेंडेशन 16 है। ज्यादा पैसे हैं तो 32 GB खरीद सकते हैं। फिर बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, जो कि हमारा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क दो तरीके के आते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है एडवांस। ट्रेडिशनल है हमारा बेसिक हार्ड डिस्क, जिसे हम बोलते हैं HDD। एडवांस है हमारा SSD। SSD वे मोर फास्टर है HDD के। कोशिश कीजिए लैपटॉप में हमेशा SSD लगा हुआ हो, ये चीज का ध्यान रखिए। या तो कोशिश कीजिए कि हाइब्रिड हो, मतलब थोड़ा SSD हो और थोड़ा HDD हो, इस चीज का आप ध्यान रखिए। बाकी स्पीड, टेक्नोलॉजी और स्टोरेज जो है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है, उनको आप ले सकते हैं। बाकी मैं आगे वीडियो में चल के बताऊंगा, इन्हीं के ऊपर ही मैं आपको रिकमेंडेशन भी दूंगा। अब अगर थर्ड मेजर कंपोनेंट की बात करें तो वो आता है हमारा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड में देखेंगे तो अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब CPU के साथ जुड़ा हुआ होता है, डेडिकेटेड का मतलब होता है अलग से दे रखा है, ठीक है। इसमें भी दो ही कंपनी काम आती है, मतलब दो ही कंपनी जो है वो बनाती है। सबसे पहला AMD, अगेन जो प्रोसेसर बनाती है वो ग्राफिक कार्ड बनाती है AMD। दूसरा है हमारा NVIDIA। इंडिया में आपको जनरली NVIDIA सीरीज के जो है वो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। NVIDIA में जो सीरीज चलती है वो चलती है हमारी G सीरीज, GT सीरीज, GTX और RTX। आज की डेट में अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है 2023 में, तो आपको RTX सीरीज खरीदना चाहिए, इससे नीचे का खरीदेंगे काम नहीं करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारा RTX सीरीज आपको करना ही करना है, ये चीज समझिए। इंडिया में मोस्टली हमारे NVIDIA ही चलते हैं। अब इसमें आता है, क्योंकि आप डेडिकेटेड ले रहे हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड काम नहीं आता हमारा, डेडिकेटेड है, तो इसमें भी आप देखोगे कि जीबीज होते हैं, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB। ये भी इसलिए क्योंकि डेडिकेटेड है, तो इनको भी अपना एक स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है, ताकि वो अपना रख के सामान को फिर प्रोसेस कर पाए। तो इसमें भी आप रिकमेंडेशन देती है कि आप 4 GB और 8 GB ले, बेटर है। ज्यादा पैसे है तो आप 16 की तरफ भी जा सकते हैं या
12 जीबी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 जीबी और 4 जीबी तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आपको लेना ही लेना चाहिए। अब ये तो हमारे मेजर तीन कंपोनेंट हो गए, लेकिन अगर बात करें कुछ फीचर्स की तरफ लैपटॉप में जो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं, तो ये आपके स्क्रीन में अगेन सिंपली ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं क्लियरली। रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है स्क्रीन साइज क्या होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कौन सा पैनल होना चाहिए, एंटी ग्लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। बाकी अगर बात करें कौन सा ब्रांड आपको प्रेफर करना चाहिए, तो ये आपके ब्रांड है। इन ब्रांड को इसलिए रखा है क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी अच्छी है, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनके सर्विस सेंटर अच्छे हैं। इसलिए आप देखेंगे इसमें मैंने लैपटॉप जो है वो एसर का इंक्लूड नहीं किया, शायोमी का नहीं किया, क्योंकि इनकी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है। लैपटॉप अच्छे हो सकते हैं पर बिल्ड क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी में इनके इश्यूज हमेशा से रहते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे आपकी मशीन जो आप खरीदने वाले हैं वो क्या क्या है और किस किस तरीके के कॉम्पोनेंट है और क्या क्या चीजें देखनी होती है। अब बात करते हैं उन बेस्ट लैपटॉप की जो कि आपको अपने बजट में खरीदनी चाहिए। बजट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हर बजट में बेस्ट लैपटॉप बताए हैं। जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है सब में से सर्च करके बेस्ट निकालने की कोशिश की है कि प्राइस वैल्यू पे वो ज्यादा मिलनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा है मैंने, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी के फ्लिपकार्ट की अच्छी है, किसी की क्रोमा की अच्छी है, किसी की अमेजोन की जो है वो डील अच्छी है, वहां से मैंने आप लोग को उठा के दिया है। अब क्योंकि आप नॉलेज ले ही रहे हैं तो एक और नॉलेज दे दूं जो कि आपको कोई यूट्यूबर कोई टेक्नोलॉजी पे कहीं किसी ब्लॉग पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस है और अंदर के इनसाइट से आती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आर्किटेक्ट्स को हमेशा वो लैपटॉप लेना चाहिए जिनके प्रोसेसर के आगे एच लिखा हो। अगर उनके प्रोसेसर के आगे एच लिखा है तो वो आंख बंद करके उस लैपटॉप को ले सकते हैं, उसकी ग्राफिक कार्ड भी अच्छा होगा, रैम भी अच्छा होगा, प्रोसेसर भी फास्ट होगा। बहुत लोगों को लगता है कि एच का मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं, मैं खुद से क्रिएट करके बता रहा हूं। आप खुद से गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच इन योर प्रोसेसर, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच, वो क्लियरली लिख के बता देगा आपको हाई परफॉर्मेंस। तो आपको हाई परफॉर्मेंस का लैपटॉप लेना होता है जिसका मतलब है एच। अगर आप U लिखा हुआ, G7 लिखा हुआ ये सब लेंगे तो वो अंडर परफॉर्मेंस आती है। G7 जो है वो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए होता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए होते हैं। तो हमारा जो मेन काम होता है या तो वो H से होता है या HX से होता है। HX जो है वो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसके अभी ज़्यादा लैपटॉप्स बने नहीं है मार्केट में, अवेलेबल नहीं है, तो HX जो है उसको हम रहने देते हैं फिलहाल। आप समझिए H हाई परफॉर्मेंस के लैपटॉप को। बेस्ट बजट लैपटॉप अंडर 70,000 का बजट है, कौन सा लैपटॉप ले। सबसे पहली डील जो मैं दूंगा, सबसे पूरे वीडियो की सबसे बेस्ट डील देने वाला हूं, और वो ये है MSI का लैपटॉप। MSI का है GF63, थिन लैपटॉप है बेसिकली, i7 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। 70,000 के अंदर अंदर आपको ये लैपटॉप देखने को मिल रहा है, 11 जनरेशन का आप लोगों को देखने को मिलेगा, i7 प्रोसेसर है इंटेल का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 16 GB का आपको रैम देखने को मिलता है। सबसे अच्छी डील जो इसको बनाता है वो है इसका स्टोरेज। आपको यहां पर हाइब्रिड स्टोरेज देखने को मिलता है, SSD आप लोगों को देखने को मिलेगा 256 का, और 1 TB का आपको SSD हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, मतलब हाइब्रिड हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, अगेन जो कि NVIDIA की तरफ से आता है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कंपोनेंट्स के बारे में। NVIDIA की तरफ से RTX सीरीज जो कि लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो भी 3050 आ रहा है, और 4 GB आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसकी स्टोरेज ग्राफिक कार्ड की। बेस्ट डील है इसकी MSI की। अगर मैं बात करूं तो MSI को मैं पर्सनली यूज करता था कुछ टाइम पहले तक, एंड ट्रस्ट मी इनके लैपटॉप्स लुक्स में अच्छे नहीं होते, फंक्शनल में A1 क्वालिटी बोल सकते हो, बहुत अच्छे लैपटॉप होते हैं इनके। नेक्स्ट अगर अंडर 70 की ही बात करूं तो एक और ऑप्शन आप ले सकते हो अगर आपको MSI नहीं लेना, तो वो है HP का लैपटॉप। HP का Ryzen है, मतलब AMD की कंपनी ने बनाया है, Ryzen 7 सीरीज बनाई है, ऑक्टा कोर में आया है बेसिकली। तो Ryzen 7 और i7 दोनों एक दूसरे के राइवल ही हैं, तो सेम कॉम्पिटिटर ही आप लोग को देखने को मिलेगा, बट HP की रिलायबिलिटी मिल जाती है क्योंकि HP कंपनी की है तो बहुत लोग ऐसे ही ट्रस्ट करते हैं सिर्फ नाम से ही। तो हाँ, HP की रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी आप लोग को मिल जाती है इस पे, तो आप HP की तरफ भी जा सकते हैं। रेस्ट अगर इसके अदर कॉम्पोनेंट की बात करूं तो आपको 8 GB का रैम देखने को मिलेगा। आई नो कि आपको 8 GB कम लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आप इसको अपग्रेड करा सकते हो। आप किसी भी एच वाले लैपटॉप को, हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप को आप अपग्रेड करा सकते हो, स्टोरेज को अपग्रेड करा सकते हो, प्रोसेसर को और ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड नहीं करा सकते, स्टोरेज को। स्टोरेज का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब कि रैम को भी और हार्ड डिस्क को भी, दोनों को आप अपग्रेड करवा सकते हो, एक्स्ट्रा बाहर से लगवा सकते हो। तो 8 GB का रैम है, आई नो थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग 8 GB को और ऊपर से लगवा सकते हो, 1500 से 2000 के अंदर लग जाएगा आपका, तो ये बेस्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर स्टोरेज में अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो अगेन हाइब्रिड हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, 512 का SSD है और 512 का HDD देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बेस्ट डील है क्योंकि अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाइब्रिड हार्ड डिस्क के साथ आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड आप लोग को NVIDIA का देखने को मिलेगा, RTX सीरीज का 3050, 4 GB का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए अगर आपको MSI का नहीं लेना। वैसे MSI का बेस्ट है, मैं आपको बताऊं डील, अगर आपको लुक पे नहीं जाना, अगर आपको लुक पे और नाम पे जाना है, ब्रांड वैल्यू पे जाना है, तो आप HP का देख सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोग को दो ऑप्शन दे दिए। इन दोनों के ही जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे बेस्ट
आर्किटेक्चर लैपटॉप अंडर 80,000 की। 80,000 की अगर बात करें तो 80,000 में आप लोग को एचपी का लैपटॉप राइजन 7 देखने को मिलेगा, फिफ्थ जनरेशन का। रैम की बात करूं तो 16 GB का आप लोग को रैम देखने को मिलने वाला है, और अगर हार्ड डिस्क की बात करूं तो 512 GB का SSD देखने को मिलेगा, प्लस ग्राफिक कार्ड आपको वही RTX सीरीज का 3050 का 4 GB का आप लोग को देखने को मिलेगा। 80,000 में आपको ये लैपटॉप इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपको सबसे पहली बात HP की रिलायबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट चीज इज की स्क्रीन की जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत अच्छी है, 144 Hz की जो है वो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, तो ये चीज इसको यूनिक बनाती है और 80,000 के अंदर लेके आती है, इसलिए इसकी इतनी वर्थ रखी गई है। लेकिन अगर आपको 80,000 में ये वाला ऑप्शन नहीं देखना तो आप वहीं पर ही इसका राइवल देख सकते हैं जो कि है डेल की तरफ से। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं डेल और HP में कभी भी आपको चूज करना हो ना कौन सा लैपटॉप लेना है तो आप डेल की तरफ प्रिफर करना, बट ये है कि डेल थोड़े मार्केट में ना कम लाती है अपने लैपटॉप को, लेकिन डेल की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना बहुत रफ एंड टफ होती है, लुक भी अच्छे होते हैं और रफ एंड टफ होती है, तो मैं डेल को हमेशा नंबर 1 पे मानता हूं और HP को हमेशा नंबर 2 पे मानता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। तो वहीं से ही हमारा अंडर 80,000 के अंदर ही दूसरा ऑप्शन डेल का देखने को मिलेगा, डेल का G15। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो आपको थोड़ा सा नीचे का देखने को मिलेगा, कोर i5, लेकिन जनरेशन लेटेस्ट है, 12th जनरेशन का आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हां i5 है, आप लोग सोच सकते हैं कि यार i5 मिल रहा है, इससे बढ़िया राइजन 7 ले लें, तो ट्रस्ट मी आप i5 की तरफ जा सकते हो क्योंकि डेल की रिलायबिलिटी भी तो मिल रही है, कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ मिलता है, वो वाली चीज है। तो या तो आप डेल की रिलायबिलिटी ले लो, बिल्ड क्वालिटी ले लो और उसकी टफनेस ले लो, तो आपको कोर i5 से काम चलाना पड़ेगा, काम आपका निकल जाएगा, तभी रिकमेंड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं निकलेगा बस ज्यादा ज्यादा सुन के ही आपको खरीदना है, नहीं, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसका मतलब कुछ बात है तभी दे रहा हूं। बाकी अगर बात करें सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 16 GB का आपको रैम देखने को मिलेगा, आपको अगेन SSD देखने को मिलेगा 512 GB का हार्ड डिस्क के अंदर, और अगर ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो 4 GB का ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का RTX सीरीज का 3050, तो आप लोग इसको भी ऑप्शन में ले सकते हैं। तो 80,000 के अंदर भी हमारे पास दो लैपटॉप जो है वो ऑप्शन में थे, एक HP का है दूसरा डेल का है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लेना है, दोनों ही बेस्ट है, बेस्ट डील है, ट्रस्ट मी। इन दोनों की लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 90,000। अब ये 90,000 वाला जो सेगमेंट है ना वो बहुत ही डामाडोल होता है, इसमें ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, इसमें क्रिएटर को भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, गेमर का भी देखने को मिल जाएगा, और आपको आर्किटेक्चर लैपटॉप पर्सपेक्टिव प्रोफेशनली भी देखने को मिल जाएगा। इसमें ना आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं 90,000 में। 90,000 में आपको फ्लिप वाले लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, टच वाले लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, क्रिएटर वाले, मल्टीमीडिया टास्किंग वाले लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, और गेमिंग लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे। तो ये ना ऑप्शंस को वाइड कर देता है। तो इस सेगमेंट में मैं आप लोग को 3 लैपटॉप जो है वो रिकमेंड करूंगा, तीनों की अपनी एक खूबी है, समझ लेते हैं तीनों को एक-एक, जो आपको बेस्ट लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है Asus कंपनी की तरफ से आता है ROG लैपटॉप। ROG की जो सबसे बेस्ट बात है वो है इसकी लाइटिंग, एंड ट्रस्ट मी एकदम फ्रेश लुक है, लाइटिंग एकदम ऑसम होती है इसकी, जहां पर भी आप 10 लैपटॉप के बीच में एक लैपटॉप को उसको रख दोगे ना उसकी लाइटिंग उसको यूनिक बना देती है, डेट फॉर श्योर। तो अगर आप लोग लाइट्स के दीवाने हो, अगर आप लोग गेमिंग के दीवाने हो, तो आप लोग जरूर से इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, सारे वो काम करके देगा। राइजन 7 का प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिलता है, फिफ्थ जनरेशन का। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके रैम की, तो रैम आप लोग को 16 GB का देखने को मिलेगा, हार्ड डिस्क आप लोग को 512 GB का हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी मैंने जितने भी हार्ड डिस्क आप लोग को बता रहा हूं ना, 512 के बाद आप एडिशनली HDD हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, या एडिशनली मतलब इसके अलावा भी दूसरा कंपोनेंट आप लगवा सकते हो हार्ड डिस्क का, या तो HDD या SSD दोनों लगवा सकते हो, सेम गोज विद रैम ऑल्सो। 16 GB का रैम है, आप एक और रैम बढ़वा सकते हो, एक्स्ट्रा कंपोनेंट की जगह दे रखी होती है लैपटॉप में, इन हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप में। तो आप लोग को 16 GB का रैम देखने को मिलेगा, 512 GB का SSD देखने को मिलेगा, और ग्राफिक कार्ड आप लोग को देखने को मिलेगा 4 GB का NVIDIA की तरफ से जो आता है RTX सीरीज का 3050। तो आप जरूर से इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं, फ्रेश लुक की वजह से और यूनिक दिखने के लिए, और इसकी लाइटिंग की वजह से आप इस लैपटॉप की तरफ कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप की अगर मैं बात करूं 90,000 के बजट के अंदर, तो ये फंक्शनल वाइज बहुत अच्छा है लैपटॉप, एक लुक वाइज हो गया, दूसरा फंक्शनल वाइज है, लिनोवो का आता है आइडिया पैड का गेमिंग 3 सीरीज का लैपटॉप है। आप लोग को राइजन 7 फिफ्थ जनरेशन देखने को मिलेगा प्रोसेसर यहां पर। अगर मैं बात करूं इसके रैम की, तो आपको 16 GB का रैम देखने को मिलेगा, हार्ड डिस्क आप लोग को 512 GB का देखने को मिलेगा। मेजर गेम चेंजर आता है यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को लेके, ग्राफिक कार्ड यहाँ पर आप लोग को NVIDIA का देखने को मिलेगा, RTX सीरीज का 3060 का। 3060 इसको यूनिक बनाता है, क्योंकि अभी तक आप 3050 के ग्राफिक कार्ड देख रहे थे, ये 3060 है, प्लस
6GB का ग्राफिक कार्ड है, मतलब इसकी स्टोरेज भी ज्यादा है, तो ये इसको यूनिक बनाता है। फंक्शनल वाइज बहुत अच्छा लैपटॉप है। लिनोवो का नाम आप लोगों को पता ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। अगर आप लुक्स के दीवाने नहीं हो, फंक्शनल वाइज लेना है, वर्थ ऑफ मनी लेना है कि जितना पैसा लगा रहे हो उतना ही फंक्शन चाहिए, तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। अब यहां पर 90,000 के अंदर थर्ड लैपटॉप की बात करूं तो ये गेम चेंजर है एक तरीके से, क्योंकि ये बनाया गया है क्रिएटर्स के लिए। MSI कंपनी ने बनाया है, जो कि मेरी ट्रस्टेड ब्रांड है एक तरीके से, तो MSI कंपनी ने बनाया है क्रिएटर M16। आप लोगों को लैपटॉप देखने को मिलेगा यहां पर, आप लोगों कोर i7 मतलब इंटेल की तरफ से कोर i7 जो आता है वो देखने को मिलेगा, 12th जनरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके स्पेशल फीचर की कि क्यों देखना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहली बात 16 इंच का स्क्रीन है इसका, मतलब बड़ा स्क्रीन है इसका। सेकंड चीज, 180 डिग्री तक पूरा ओपन हो जाता है, 180 मतलब पूरा फ्लैट हो जाता है दोनों लैप, मतलब पूरा फ्लैप जो है ना वो कंप्लीट ओपन हो जाता है, तो ये इसकी बेस्ट बात है। नेक्स्ट बात करूं, क्योंकि क्रिएटर का है तो इसकी फीचर्स आप लोगों को एडिशनल देखने को मिल जाते हैं, फीचर्स इसमें भर भर के देखने को मिलेगा, मतलब क्रिएटर के पर्पस से भी। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी, और कीबोर्ड और लुक में जो है वो थोड़ा आपको अच्छा और यूनिक देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स के। मतलब ये थोड़ा आपको गेमिंग लुक कम देगा और ये थोड़ा क्रिएटर लुक आपको ज्यादा देगा, MSI का क्रिएटर M16 जो है। रैम की अगर बात करूं तो 16GB का रैम देखने को मिलता है, हार्ड डिस्क अगेन आपको 512GB का SSD देखने को मिलेगा, और अगर ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो RTX सीरीज का 3050 Ti 4GB का देखने को मिलेगा। अब ये Ti क्या है, ये आप समझो 3050 जो ग्राफिक कार्ड है ना उसका थोड़ा सा बेबी वर्जन है, बेबी मतलब न्यू वर्जन जो है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के मामले में ऑलमोस्ट बेंचमार्क के मामले में 19-20 का फर्क होता है। लेकिन हाँ, इस लैपटॉप को अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि कुछ तो बात है, यूनिक लुक है, फ्रेश लुक है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, गेमिंग लुक आपको नहीं देता, तो अगर आपको थोड़ा गेमिंग लुक से अलग हटके जाना है, कोई अलग यूनिक लुक लेना है, तो आप इस लैपटॉप की तरफ देख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको 90,000 में भी तीन लैपटॉप तीनों ही बेस्ट लगे होंगे। आप अपने डील के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके किस तरफ चांसेस ज्यादा हैं, मतलब आपको RGB लाइट चाहिए, यूनिक दिखना है तो आप जा सकते हैं, आपको क्रिएटर लैपटॉप चाहिए तो आप MSI की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको फंक्शनल वर्थ इट मनी के चाहिए तो आप लिनोवो की तरफ जा सकते हैं। तो ये तीन लैपटॉप आई होप सो कि आपको पसंद आए होंगे, इन तीनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहां बात करें बेस्ट आर्किटेक्चर लैपटॉप अंडर 1 लाख, 1 लाख में MSI ने गेम चेंज कर दिया। MSI ने अपना साइबॉर्ग लैपटॉप निकाला था, साइबॉर्ग 15 करके लैपटॉप निकाला है, एंड ट्रस्ट मी इसने पूरा गेम चेंज कर रखा है। लाइट वेट लैपटॉप है, फ्रेश लुक में आता है, और ग्राफिक कार्ड को कोई बीट नहीं कर सकता जो ग्राफिक कार्ड ये MSI का साइबॉर्ग लैपटॉप दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आप लोग को i7 देखने को मिलेगा, 12th जनरेशन का, मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। वहीं पे बात करूं अगर रैम की, तो 16GB का रैम देखने को मिलेगा, हार्ड डिस्क आपको 512GB का हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन सारा गेम चेंज होता है ग्राफिक कार्ड को लेके। ग्राफिक कार्ड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 8GB की स्टोरेज के साथ, 8GB का NVIDIA का RTX सीरीज 4060 का आप लोगों को देखने को मिलेगा, 4060 लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड सबसे ज्यादा डाला है, 40 मतलब अभी तक हम 30 सीरीज की बात कर रहे थे, ये 40 सीरीज की आ चुकी है, 4060 का 8GB का ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि ये न्यू और फ्रेश लुक के साथ ये लैपटॉप आया है, इसके बेजल्स बहुत कम है, थिन दिखता है और थिन है भी, 1.5 किलो के अंदर अंदर ये लैपटॉप आ जाता है, बाकी जितने भी लैपटॉप मैंने आप लोगों को बताया वो सब 2 किलो के लैपटॉप है, ये 1.5 किलो में आता है, तो ये इसको यूनिक बनाता है, अंडर 2 kg में आना ये इसको यूनिक बनाता है। तो MSI ने यहाँ पर गेम चेंज कर रखा है। लेकिन वहीं पर 1 लाख के अंदर डेल का भी लैपटॉप आता है, डेल का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, डेल G15 का प्रोसेसर जो है वो AMD Ryzen 7 देखने को मिलेगा, 6th जनरेशन का लैपटॉप है ये। यहाँ पर अगर मैं रैम की बात करूँ तो 16GB का रैम है, हार्ड डिस्क 512GB का हार्ड डिस्क है, और वहीं पर अगर ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो RTX सीरीज का है, 3060 का है, और 6GB का आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका ग्राफिक कार्ड। अब ये 1 लाख क्यों वर्थ करता है उसका मैं बता दूं। सबसे पहला डेल की रिलायबिलिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, टफनेस है, प्लस 15 मंथ का आप लोग को यहाँ पर एंटीवायरस फ्री मिलता है। 15 मंथ मतलब 1.5 साल आप कह सकते हो, लगभग 1.5 साल का आपको एंटीवायरस जो है वो फ्री मिलेगा इनकी तरफ से, और बाकी डेल की रिलायबिलिटी तो आपकी है ही है। 3060 का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है, तो ये इस डील को यूनिक बनाता है। तो ये थे हमारे बेस्ट आर्किटेक्चर लैपटॉप अंडर 70,000, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वेट, होल्ड ऑन, जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं 2 वीडियो ये रिकमेंडेशन में दे रहा हूँ, दोनों टैबलेट के ऊपर है। इसमें मैंने बताया आप लोगों को टैबलेट क्यों खरीदना चाहिए, मतलब लैपटॉप के साथ साथ टैबलेट क्यों खरीदना चाहिए, क्या उसका यूज है, कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, और बेस्ट टैबलेट 50,000 के अंदर कौन सा है, बेस्ट टैबलेट 20,000 के अंदर कौन सा है, ये दोनों ही मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। तो जल्दी से जाइए और अभी देखिए टैबलेट वाली वीडियो को।